हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भीनमाल प्रकाश फाउंडेशन जयपुर द्वारा स्वर्गीय श्रीमती आशा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गणेश मलजी कांत की स्मृति में शनिवार को स्थानीय प्रजापत धर्मशाला में महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन वितरण का आयोजन अखिल भारतीय जी नगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर लाल सोनगरा, जी नगर समाज शिक्षा समिति जोधपुर के अध्यक्ष टीकम चंद चौहान, प्रकाश फाउंडेशन के ट्रस्टी ज्योति कांत, समाज सेवी शिवलाल जी नगर सिरोही, भाजपा महिला मोर्चा की जालोर जिला अध्यक्ष मंजू सोलंकी, भीनमाल नपा अध्यक्ष प्रेमराज बोहरा, आयकर अपीलीय प्राधिकरण मुंबई के अकाउंटेंट मेंबर ओपी कांत व अधीक्षण अभियंता नर्मदा केएल कांत की मौजूदगी में हुआ, जिसमें जी नगर समाज की 100 महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन का वितरण किया गया। इस अवसर पर जी नगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर लाल सोनगरा ने प्रकाश फाउंडेशन व कांत परिवार द्वारा समाज की जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए समाज के आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को समाज के विकास के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने समाज के विकास के लिए संस्कारवान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को आगे आने की अपील की। जी नगर समाज शिक्षा समिति जोधपुर के अध्यक्ष टीकम चंद चौहान ने प्रतिस्पर्धा के दौर में शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान दौर में समाज शिक्षा के क्षेत्र प्रगति पर है, ये हम सबके लिए खुशी की बात है, लेकिन भावी पीढ़ी को उच्च शिक्षा ग्रहण करवाकर उच्च सरकारी सेवा में भागीदारी बढ़ाने की समय की पुकार है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े शहरों, जिला व तहसील मुख्यालयों पर छात्रावास व धर्मशाला निर्माण की आवश्यकता जताते हुए समाज के सक्षम लोगों को आगे आने की अपील की। समाज सेवी शिवलाल जी नगर सिरोही ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने की आवश्यकता जताते हुए समाज के प्रत्येक परिवार को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मंजू सोलंकी ने प्रकाश फाउंडेशन व कांत परिवार द्वारा जी नगर समाज की जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों की सराहना की। भीनमाल नपा अध्यक्ष प्रेमराज बोहरा ने जूती बाजार के लिए देश भर में प्रख्यात भीनमाल के कारोबारियों को उचित मार्केट उपलब्ध करवाने की आवश्यकता भी जताई। ज्योति कांत ने प्रकाश फाउंडेशन की स्थापना व उद्देश्य से अवगत करवाते हुए संचालित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। अंत में केएल कांत ने सभी का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन नारायण लाल जी नगर ने किया। इस अवसर पर भाजपा नेत्री उर्मिला दर्जी सांचौर, राजेंद्र सोलंकी जालौर, हिमांशु कांत, जलज प्रकाश कांत, मानराज कांत, राजेंद्र कांत, पूजा कांत, सुनीश कांत, भलेचंद सोनगरा, पोकाराम सोलंकी, जितेंद्र कुमार सायला, सुरेश चंद्र बारड, नेमलाल, श्रवण कुमार, किशन लाल बालोत, हरिराम बालोत, कपूर चंद जी नगर, दिनेश कुमार, जगदीश कुमार, जितेंद्र बालोत, घेवर चंद सोलंकी, नारायण लाल सोलंकी व पारस जी नगर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जागरूक टीवी के लिए भीनमाल से परबत सिंह राव की रिपोर्ट।